हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने मेरी कोलकाता ब्लॉग्स की पार्ट वन वाली वीडियो देख ली होंगे। इस वीडियो में आप विक्टोरिया मेमोरियल एंड साइंस सिटी ट्रैवल करने वाले हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको मेरे चैनल पर आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट किया जाए। फ्रेंड्स, ये रहा विक्टोरिया मेमोरियल और मैं इसके फ्रंट गेट से एंटर कर रहा हूँ। इसकी टू एंट्री गेट्स है, सेकंड गेट पैलेस के बैक साइड में मिलेगी। अगर आप लगेज वगैरह कैरी कर रहे हो तो एंट्री गेट से एंट्री के बाद राइट साइड में ही लगेज एरिया प्रोवाइड की गई है विथ हाई सिक्योरिटी। पैलेस का व्यू फ्रंट से बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये पैलेस मार्बल का बना हुआ है। ये पैलेस 1906 से 1921 के बीच बनी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी सारे सिक्योरिटी चेक्स के बाद हमें एंट्री मिलती है। ये पैलेस ब्रिटिश आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर फ्रेंड्स अक्सर काफ़ी क्राउड रहती है। ये रहा गाइस, मैं अंदर काफी एंजॉय करते हुए। गाइस, अभी ये एक म्यूजियम है जिसके अंदर 25 गैलरीज है। फॉर एग्जांपल रॉयल गैलरी, नेशनल लीडर्स गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, द स्कल्पचर्स गैलरी, द आर्म एंड आर्मरी गैलरी लाइक दिस। और इसमें काफ़ी एंटिक बुक्स की कलेक्शंस भी है, मैंने इस वीडियो में आगे कवर किया है, आप सारे कुछ को देखोगे। फ्रेंड्स, ये 64 एकर्स एरिया को कवर की हुई है, जिसमें पैलेस, पार्क, क्वींस वे और दो छोटे छोटे झील भी है। फ्रेंड्स, फोटोशूट वगैरह के लिए ये जो लोकेशन है बहुत बेस्ट है। आप यहाँ पर फोटो क्लिक्स कर सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो, अपनी फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। गाइज, ये रही इसकी सेकंड एंट्री गेट जो कि पैलेस के बैक साइड में है, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था आपको।
हेलो गाइस, हम लोग अभी विक्टोरिया विजिट कर लिए है और काफ़ी बड़ा पैलेस था, फुल ऑफ मार्बल का बना हुआ है, जो कि 1906 से 1921 के बीच में इसे क्रिएट किया गया था और अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ की और इंडिया का बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए तो विजिटिंग प्लेस है। आप भी ज़रूर आइए यहाँ घूमने। ये देखिए यहाँ का एंट्रेंस। अभी कहाँ जाएंगे हम लोग यहाँ से? थैंक्स। Now we are going to Science City for visit. Hope all you are enjoying this video. तो बने रहिए वीडियो में, आगे बहुत सारे शॉट्स मैंने इसमें अटैच किए हैं। विक्टोरिया से डायरेक्ट बस आपको साइंस सिटी के लिए मिल जाएगी। गाइज, यहाँ पर एंट्री के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करनी होगी और इसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ की वो अलग से चार्जेस है। फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल्स बनाकर रखी गई हुई थी और इसके अंदर आपको फ्यूचर ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। हम लोग अभी साइंस सिटी में हैं। अभी तक का सबसे बेस्ट प्लेस हम लोगों ने विजिट किया है और 100 रुपीज़ लगभग फीस थी पर हेड का। और एक तरह से मुझे ये कहना चाहिए, हाँ मुझे एक तरह से ये कहना चाहिए कि आप लोगों को लाइफ में कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। फ्यूचर क्या है यार, वो देखने को मिलेगा। चल आगे चल, तुम जहाँ जहाँ जा रहा लेके चल, हम घुमाते हो जा भाई, बच्चा बन जा एक दिन के लिए। आराम मिल रहा है, बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, जितना भी टायर्ड हो ना पूरा चले जा रहा है। Yeah.
कोलकाता का साइंस सिटी है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जनरली इस पार्क का नाम है भूलभुलैया पार्क। अक्षय कुमार ने यही शूटिंग हुआ था भूलभुलैया। अबे फंस गए यार, कहाँ से निकले, भुला गए, इधर से रास्ता होना, भूल भुलैया वाले में सही है। चला इसको हाथों से पूरा बजा, चल ऐसे निकल, ऐसे निकल, ऐसे निकल, देख कभी आओ तो कोलकाता ये जरूर घूमो, इसके लिए बहुत सही चीज़ है, बहुत सही प्लेस है, जिंदगी में एंजॉय करो यार। देखो पानी देखो क्या, और एक चीज दिखाते हैं अभी, ये देखिए गाइस, अंदर कुछ नहीं है, खाली है। किस कर रहा है, हंसू थोड़ा सा। अभी तक हम लोग क्या क्या घूम गए पार्क में भाई, बताओ जरा। अभी हम लोग घूमे हैं यहाँ विक्टोरिया, विक्टोरिया हो गया सबसे पहले, वो लगभग 2 बजे के आसपास हम लोग का कंप्लीट हो गया था। वहाँ से हम लोग घूम घाम के साइंस सिटी स्पेस, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा प्लस ज्ञान भी है। आप भी आओ घूमो, और सबसे अच्छी शहर है, खूबसूरत शहर है, कहीं पर भी कोई चीज की ना लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी और ना आपको कोई चीज की प्रॉब्लम होगी, कहीं पर भी जाइए दिल बस जाएगा। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज यूज हो रही है, बंगाली भी यूज हो रही है और हिंदी भी यूज हो रही है।
आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे? ना आपको ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम होगी, ना किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं, हर चीज का रूट बाय रूट दिया हुआ है, हर चीज का एक एक बस अलग आपका दिया हुआ है। फ्रेंड्स, जब आप साइंस सिटी से एग्जिट करोगे तो आपको फ्रंट में ही बसेस एंड टैक्सीज अवेलेबल मिलेगी अलग अलग लोकेशंस के लिए। यहाँ से आपको हावड़ा के लिए भी मिल जाएगी, कोलकाता के लिए भी मिल जाएगी। इस वीडियो में आपका और हमारा साथ यहीं तक का था। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। पार्ट 3 अलीपुर जू के ऊपर बेस्ड होने वाली है, तो आप ज़रूर देखिएगा।